आज मैं आपको ओरियो केक, ओरियो बिस्कुट का केक बनाना सिखाती हूँ। बोले आज मैं आपको ओरियो बिस्किट का केक बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 10 रुपये के 4 पैकेट लिए हैं। अगर आप चाहें तो 20 रुपये का पैकेट ले सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है। इसमें से बीच वाली क्रीम को मैं अलग निकाल के रख दूंगी ऐसे। इसी तरह हम सारे निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने सारे बिस्किट निकाल लिए हैं। अब इसे मैं ग्राइंड करूंगी, तोड़ के मैं जार में डाल रही हूँ। बिस्कुट को मैंने तोड़ करके ग्राइंड कर लिया है। इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे, फाइन पाउडर बनाएंगे। इसमें मैं 1 कप दूध डालूंगी, मिक्स करूंगी। अगर कम लगे तो 1 कप और डालिएगा थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो गीला ना हो जाए, इसलिए थोड़े थोड़े डालिएगा, एक बार में मत डालिएगा। अभी मैं इसमें 1/2 कप दूध और डालूंगी। मैंने 2 कप दूध लिया था, इसमें इतना दूध बच गया है। आप धीरे धीरे ही दूध लीजिए, ताकि गीला ना हो जाए। जब तक केक का बैटर तैयार होता है, तब तक हम कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें छोटा सा सादा डालकर उसे ढक देंगे। रुकिए रुकिए, बोलिए। 10 मिनट फुल फ्लेम पे चढ़ा देंगे इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इसको मैं तैयार करूंगी केक टिन को, थोड़ा सा रिफाइंड लगा करके ग्रीस कर लूंगी। अब इसे मैं मैदा डाल के चारों तरफ घुमा दूंगी, और जो मैदा बच जाए उसे मैं गिरा दूँ। बेटर इसमें डाल देंगे। इसे टैप कर दूंगी, ताकि इसमें से हवा निकल जाए। अब मैं इसके एक टिन को इसमें रख दूंगी और ढक दूंगी इसे। 20 मिनट तक धीमा गैस पे पकाएं। इसमें 1/2 कप दूध लगा है, और इसी तरह रख इसको छोड़ दीजिए।
करके मिक्स करके छोड़ दीजिए, फिर केक बनेगा, फिर अगला प्रोसेस हम बनाएंगे। 20 मिनट हो गए, 20 मिनट के बाद हम केक को चेक करेंगे। देखिए चाकू एकदम क्लियर निकला है, इसे निकाल लेंगे। आपका केक अगर थोड़ा कच चाकू में अगर निकलेगा, ठीक नहीं निकला, साफ नहीं निकला, तो आप 10 मिनट उसको पकाएंगे। 20 मिनट के बाद अगर आपका केक में इस तरह क्लियर नहीं निकला तो आप उसे 5 मिनट और पकाएं। 20 मिनट के बाद अगर आपका केक, अब हम इसके को ठंडा होने देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। केक को मैंने अनमोल्ड कर दिया है। इसके बाद जो मैंने क्रीम को पेस्ट बनाया था उसे इसको मैं काट के मैं इस क्रीम को जिस बनाई थी उसको ऊपर में लगा दूंगी। इसमें चीनी देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बिस्किट बहुत मीठा रहता है, आप अलग से चीनी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने टेस्ट के अनुसार आप दे सकती हैं अगर आप ज़्यादा खाती हैं तो। मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि देखिए कितना स्पंजी केक बना है। ये देखिए कितना स्पंजी केक है, ये कितना स्पंजी केक है।